हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्सटाइल होममेकर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हैंडमेड ज्वेलरी के रॉ मटेरियल की एक वीडियो। ये सारा मटेरियल मैंने बाय किया है दराज से और इसकी प्राइस है 1188 रुपीस। और इस पहले पार्सल में देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रिसीव हुई हैं। तो सबसे पहले वाले पैकेट में चेक करते हैं कि क्या है। तो इसमें गोल्डन कलर की आई पेंस हमें रिसीव हुई हैं, आप इनका साइज़ भी देख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके की होती हैं, ऊपर एक लूप बना हुआ होता है और इसको बोलते हैं आई पिन। और इसमें गोल्डन और सिल्वर कलर और रोज़ गोल्ड कलर और डिफरेंट दूसरे कलर्स भी होते हैं, आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसको बाय कर सकते हैं। और इसमें डिफरेंट साइजेस भी मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको जो है अपना रिक्वायर्ड साइज़ चाहिए है तो आप ख़ुद से भी इसको जो है बना सकते हैं गियर वायर से। लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको यही रिकमेंड किया जाता है कि वो इस तरह की जो आई पिन है वो बाय करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है किसी भी ज्वेलरी को बनाने के लिए। और ये जितना क्लियर और क्लीन जो है इसका लूप होगा उतनी ही सफाई से आप अपनी ज्वेलरी को जो है वो बना सकते हैं। ये इसमें सिल्वर कलर था। अब हम नेक्स्ट पैकेट को ओपन करते हैं और इसमें हैं हेड पिंस, इसको फ्लैट हेड पिंस भी बोलते हैं। और ये ज्वेलरी में बीड्स वगैरह लगाने के जो है वो काम आती है। और इसमें भी आपको डिफरेंट कलर्स और साइजेस जो हैं वो मिल जाएंगे इजीली दराज से, और किसी भी दूसरे रॉ मटेरियल की वेबसाइट वगैरह से भी आप विज़िट करके जहाँ से आपको प्राइस रिजनेबल लगते हैं आप वहाँ से बाय कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है जो हम लोगों को रिसीव हुई है वो है स्टड हेड पिंस। इनको स्टड हेड पिंस बोलते हैं और इनके पीछे हैं सिलिकॉन रबर लॉक्स। इसके ऊपर आप डिफरेंट स्टड्स बना सकते हैं, जिसमें डो के या बीडेड या राइनस्टोन के जो स्टड्स हैं वो आप बना सकते हैं। इसमें भी डिफरेंट साइजेस और कलर्स हैं। मैंने गोल्डन और सिल्वर ऑर्डर किया था और सिल्वर जो है उसका साइज़ डिफरेंट है और गोल्डन का साइज़ जो है वो 8 mm है और जो सिल्वर था उसका 6 mm है। और इसके अंदर 10 mm तक भी साइजेस आते हैं, उससे बड़े साइजेस भी आते हैं, बट मैंने जो है वो यही ऑर्डर किए थे। नेक्स्ट पार्सल है 973 रुपीज़ में और इसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या रिसीव हुआ है। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके पहले पैकेट में क्या चीज़ है। तो देखते हैं, इसको ओपन करते हैं और ये हो गया ओपन। यस, तो इसमें है सबसे पहले हमारे पास नायलॉन थ्रेड रील। ये मोस्टली ब्रेसलेट्स वगैरह, बच्चों की जो ब्रेसलेट्स वगैरह होती हैं उनको बनाने में यूज़ होता है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, आप इसको लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं, ये इजीली मिल जाएगा। और नेक्स्ट अब पैकेट में देख रहे हैं क्या क्या है हमारे पास और इसको ओपन करते हैं। जी, तो हमारे पास निकले हैं जंप रिंग्स। ये सिंपल रिंग्स हैं और इनको बोलते हैं जंप रिंग्स। ये डिफरेंट साइजेस में और डिफरेंट कलर्स में जो है वो मिलते हैं। मैंने इसको भी गोल्डन और सिल्वर दो कलर्स में ही ऑर्डर किया है। इसमें भी साइजेस आपको डिफरेंट मिलेंगे। और ये भी अगर आप नेकलेस में यूज़ कर रहे हैं, इयररिंग में यूज़ कर रहे हैं, ब्रेसलेट में यूज़ कर रहे हैं, डिपेंड ऑन कि आप किस तरह का डिज़ाइन बना रहे हैं, तो उस लिहाज से आपको इसके साइजेस जो हैं वो चाहिए होंगे। और मैंने गोल्डन कलर में भी इसको ऑर्डर किया था। और नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है वो है नेकलेस लॉक, और इसको मैंने गोल्डन कलर में जो है वो ओपन किया है। और ये आप किसी भी नेकलेस वगैरह को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ये देखिए, ये भी आपको डिफरेंट साइजेस में मिलते हैं, इसकी भी डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, आप अपने बजट के मुताबिक इनको बाई कीजिएगा। और इसमें भी गोल्डन और सिल्वर दो कलर मैंने ऑर्डर किए हैं, सिल्वर कलर को मैं ओपन नहीं कर रही हूँ। और नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट आर्टिकल इसका आया है वो है फ्रेंच इयररिंग हुक्स। ये देखिए, ये इयररिंग्स बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का यूज़ मैं आपको अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो बताऊँगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। बेल आइकॉन पे भी जो है क्लिक कीजिएगा।
और ये सब चीज़ें मुझे दराज से मिली हैं। आप इसको अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है किसी भी वेबसाइट से जहां आपको रीजनेबल प्राइसेस लगें बाय कर सकते हैं। ये सारा मटेरियल मुझे दराज से मिला है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।